हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और ऐसे हमेशा अच्छे रहना, भी स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये देखिए, मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं कार और आज हम जा रहे हैं कुछ रील्स बनाने, घूमने और उधर मस्ती भी करेंगे क्योंकि हम लोग एकदम शांत वातावरण में जाते हैं। देखिए, स्कूल की छुट्टी हो गई है, अभी बज रहे हैं 4, बच्चे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हो गई है उन सब की। तो देखिए, हम आ गए हैं इस जगह पे और कार का वो बंद कर दो ना। और मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं कैमरा स्टैंड। अब हम कुछ रील्स बनाएंगे, आज आप सब देखेंगे हमें रील्स बनाते हुए। और रील्स बनाते हुए हम लोग इतना रिटेक लेते हैं और इतना बार बार गाना चलाते रहते हैं ना, और बनता ही नहीं है। कितना बार जाके बनता है वो, आज आप सब देखने वाले हैं। तो आप अपना कैमरा निकालो जी, हम आज आपके कैमरे से बनाएंगे और हमारा कैमरा स्टैंड यहाँ पे लगा रहेगा। चलो कोई गाना निकालो। वाह, क्या मस्त सुकून वाली है इस जगह पे ना। लेकिन हम लोग इतना घने जंगल पे क्यों आए हैं जी? देखो ना, रास्ता में मतलब थोड़ा खेत वेत रहे, वैसी जगह अच्छा लगता है। एक पत्ता भी गिरती है तो ऐसी आवाज आती है। इसको बढ़ा लो ना थोड़ा सा, एकदम डाउन है। डाउन कैसे दिख रहा है वो? देखो ना कैसे हो रहा है, देखो ये क्या है, कैसे होती है? अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ और डाल रहा हूँ ना, यहाँ पर लाओ से मैं बना रही हूँ। बनेगा इस पे गाना बनेगा, आओ बना लो ना। अब इधर बनाते हैं, इधर आओ। कौन सा लगा? सेल्फी वाला से बनाओ। यस, चलो 1 2 3 रेडी। देखो, हर बात में दिखावा करना जरूरी नहीं है, पर जब दुनिया कमजोर समझने लगे तो ताकत का अंदाजा कराना बहुत जरूरी है। बन गया एक हमारा रील। पर जब दुनिया कमजोर समझने लगे तो ताकत का अंदाजा कराना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, एक हो गया ना। ड्रॉप में डालू फिर? सेव ड्रॉप में ना? हाँ। अच्छा, एक बार ऐसे सेव कर देना फिर नहीं जाता। चल इस पर मेरे को बनाना ना। कौन सा वाला लाइन है? देखो, हर बात में दिखावा करना जरूरी नहीं, पर जब दुनिया कमजोर समझने लगे तो ताकत का अंदाजा कराना बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए नहीं है, लड़की वाला ला। ड्रॉप में डाले ना क्या? रखना बहुत जरूरी। ड्रॉप में डाले? अरे यार, इसको भूल जाता हूँ, दूसरा गाड़ी में रखूंगा। अच्छा, निकलने के लिए इतना आपकी मैरिज नहीं हो आपके लिए? गाना नहीं आता सर के लिए? अब जजे मेरे मोबाइल को लेती हूँ। हमने बहुत सारी रील्स वहीं बना ली है। रील्स बनाते बनाते हम दोनों में ना अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती है कैमरेज को लेकर कि आप ऐसे नहीं बनाए वीडियो मेरा, ऐसे नहीं लिए आप, अच्छे से नहीं लिए, ऐसा वैसा करके ना मैं थोड़ी गुस्सा हो जाती हूँ, मेरा वीडियोस अच्छा नहीं आता था तो इसीलिए थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी। और फिर हमें ना 2 घंटा भी हो गए थे आए हुए, 6 बज रहे थे तो हम चले गए मछली खरीदने, मछली का अंडा खरीदेंगे, उसका भी व्लॉग आएगी, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग पाएगी, उसको भी देखना, उसकी मैं रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी और बनाकर भी दिखाऊंगी और खाएंगे भी हम। तो ना ये वीडियो ना 3 पार्ट पे बनेगी क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो गई थी ना कि मुझे इसे 3 पार्ट पे करना पड़ा क्योंकि आप सब लंबे वीडियो नहीं देखते हैं। और ये वाला गाना इतना अच्छा था ना, मतलब अभी गदर पिक्चर का जो मूवी आई है ना, गदर मूवी, उस मूवी का ये सॉन्ग है। ये सॉन्ग ऐसा है, पर्वत कितनी ऊँची कितनी गहरी होती है,
ये मत पूछो प्यार में कितनी मेरे को गाना भी ठीक से याद नहीं है, तो ये वही गाना है। और देखो गाना सूट हो रहा था और अच्छा ही समय ना हमारे गैया लोग आ रहे थे, अपने अपने घर जा रहे थे, क्योंकि टाइम हो गया था, 6 बजने वाली थी, तो 6 बजने से पहले ही सब गैया अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो पीछे की नज़ारा आप सब देख ही रहे हैं, ऊपर पहाड़, नीचे रोड, और इधर मैं तालाब के ऊपर खड़ी हूँ। इधर इस साइड ना तालाब है बहुत बड़ा सा, उस साइड को दिखाना भूल गई आप सबको। तो इस तरह से हम वीडियोज़ बना रहे होते हैं, फिर हम चलते हैं अपना घर, क्योंकि हमें ना जाना भी है मार्केट साइड, थोड़ा सा कुछ ख़रीदारी करनी है। तो आप सब वीडियो पे बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मैं बैठी हूँ यहाँ, मेरे हस्बैंड गए हैं मछली ख़रीदने, देखते हैं मछली ख़रीद के लाते हैं या फिर उसके अंडा लाते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे मछली का अंडा उनको पसंद है, तो देखते हैं वो क्या लाते हैं। मैंने बहुत सारे रील्स बनाई हैं, तो आप सब जाइए, इंस्टाग्राम हमारा है सरी निषाद, तो उस पर जाकर खूब सारे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए गाइस, बने रहिए हमारे वीडियो पे, आते हैं तब दिखाते हैं। मैं वेट कर रही हूँ कार पे अपने हस्बैंड का, और मेरे हस्बैंड सबसे लास्ट वाले पे गए हैं मछली खरीदने, और ये जो आप देख रहे हैं मछली वाले वो फर्स्ट वाले हैं, और इधर लाइन से मछली मछली बिकता है, तो हम यहीं पे आए हैं, देखते हैं वो आते हैं तो मछली लेकर आते हैं या मछली के अंडा। तो मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही हूँ क्या लेकर आए, रास्ते में उनके दोस्त मिल गए थे, वो बात करने लगे थे, मेरे हस्बैंड मुझे दिए और बताए मछली नहीं है मछली का अंडा है, तो वो लेकर आ गए हैं 1/2 किलो। तो आप सब इसकी रेसिपी आज देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, और बहुत अच्छा रेसिपी होने वाली है, और आप सब हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय। हम वापस घर आ रहे होते हैं, और देखिए हमारे रास्ते में ये बहुत बड़ी बड़ी भैंसे जो आ रही थी अपने घर जा रही थी, और बगल पे खेत इतने सुंदर हरे भरे से लग रहे थे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा था। और ऐसे ही हमारे कार पे ऐसे गाना चल रहा था, वो गाना भी इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे ही कहीं सफ़र पर जाओ और सॉन्ग सुनते सुनते जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी तो नींद ही आ जाती है, मुझे अगर लंबा सफ़र कर लूँ तो मुझे नींद ही आ जाती है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और आप सब हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपकी खुशियों की बगिया ऐसी महकती रहे, बहुत हरी भरी आपकी लाइफ हो, बहुत खुशहाली हो, बाय बाय गाइस। और ये वाली सॉन्ग ना मेरे हस्बैंड के में और मेरे मोबाइल में, मेरे हस्बैंड के मोबाइल और हम दोनों के मोबाइल में ना यही वाला सॉन्ग का कॉलर टोन है, जब मैं उसको कॉल करती हूँ ना तो लड़का वाले मतलब मेल वाले वर्जन पे बजता है, और जब वो मुझे कॉल करते हैं तो लड़की वाले फीमेल पे बजती है, तो बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को ये सॉन्ग, और हम दोनों एक दूसरे को ये सॉन्ग डेडिकेट करके ऐसे रखे हैं।